सभी प्रांतों से, सभी लोगों से, और अलग अलग फील्ड के हैं, कोई मीडिया से हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं, कोई जिस समय देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था उस समय के जो राजा थे गुजर सम्राट मीर भोज, उनका प्रतिचिन्ह देकर सब लोगों को सम्मानित करते हैं कि अपनी बोली को ना छोड़ें। हम लोग क्या है, अपडेट होने के चक्कर में, आज की दुनिया को जीने के चक्कर में, बाहर बिजनेस और कॉरपोरेट में जाने के चक्कर में हम जो अपनी बोली है हम उसे भूल जाते हैं। बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है, आज हमारे समाज के लोगों ने हमारे मीर भोज चक्रवर्ती महाराज की जी ये हनुमान जयंती के ऊपर जो प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा है, और हम सभी, हमें गर्व है अपने हिंदू सम्राट मीर भोज जी की। जो ये मूर्ति जब किसी के घर में जाती है तो एक पॉजिटिव वेव पैदा करती है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के द्वारा हनुमान जयंती पर समाज के प्रतिष्ठित एवं प्रतिभाशाली लोगों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारिता, कला, समाज सेवा जैसे कार्यों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, इनफोकस न्यूज में आपका स्वागत है। आज है हनुमान जयंती और इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मनाया जा रहा है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह। तो सबसे पहले तो दर्शकों, आपको हिंद फोकस न्यूज़ की तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे मोमेंटो देख रही हूँ, तरह तरह के। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह के मोमेंटो हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सुंदर सुंदर मोमेंटो दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कुछ यहाँ पर भी हैं, ये आप देख सकते हैं। मिहिर भोज की ये प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे मोमेंटो हैं। तो आइए जानते हैं इस आयोजन का क्या उद्देश्य है इनका, और इस उपलक्ष्य पे ये किसको सम्मानित करना चाह रहे हैं। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है गौरव तंवर, मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा में राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली NCR के प्रभारी के रूप में कार्य करता हूँ। और जो आज ये कार्यक्रम है, निरंतर पिछले कई वर्षों से ये हनुमान जन्मोत्सव के दिन अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा सम्मान समारोह के रूप में आयोजित करती है, जिसमें समाज की और अन्य समाजों के भी जो प्रमुख लोग हैं जिन्होंने संगठन का कहीं ना कहीं किसी न किसी समय सहयोग दिया है और समाज का नाम एक अच्छी दिशा में बढ़ चढ़ के उन्होंने नाम किया है, तो उनको सम्मानित करने का काम हनुमान जन्मोत्सव के दिन हम लोग करते हैं। बेसिकली इसीलिए मतलब हमारा ये सम्मान समारोह होता है हर वर्ष निरंतर, पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। आपके इसमें कहाँ कहाँ से लोग आपने जो है इनवाइट किए हैं? इसमें 16 प्रदेशों से लोग आए हैं, जिसमें आपके दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से, और अपने उत्तर भारत के जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, सभी प्रांतों से, सभी लोगों से, और अलग अलग फील्ड के हैं, कोई मीडिया से हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं, कोई सरकारी डिपार्टमेंट में अधिकारी है जो हमारे समाज के, और अलग अलग मतलब वकील भी हैं, एडवोकेट हैं जिन्होंने समाज और संगठन की हमारी सहायता करने का काम अभी तक किया है। चलिए इनसे जाना, अब नेक्स्ट आवाज़ जो मैं सुनने जा रही हूँ, आपका नाम सर मैं जानना चाहती हूँ। मैं नरेंद्र गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संस्थापक। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हर साल होता है, हर साल आप आते हैं? हाँ, हर साल जो है हनुमान जयंती पर हर वर्ष जो समाज के और अन्य समाज के लोग हैं जिन्होंने समाज के प्रति अच्छे जो कार्य करे हैं उनको सम्मान करने का कार्य अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा हर वर्ष हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में करती है। तो ये जिनको आप सम्मानित करने जा रहे हैं, तो ये इसी के मेंबर्स हैं या आउटर कोई है? नहीं, इसमें मेंबर नहीं, जो आउटर्स भी हैं और जिन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य करे हैं उनको इन्वाइट करके और उनको सम्मान करने का कार्य करते हैं। तो मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे, तो कुछ इनके बारे में बताएंगे क्या, किस तरह के मोमेंटो हैं और क्या है? नहीं, जो मोमेंटो हैं ये हमारे जो राजा रहे हैं, जिस समय देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, उस समय के जो राजा थे गुजर सम्राट मीर भोज, उनका प्रतिचिन्ह देकर सब लोगों को सम्मानित करते हैं। मैं महेश फागना, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व है। तो आप कब से जुड़े हुए हैं इस जो सभा में? मैं करीब 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, तब से ये मनाया जा रहा है उत्सव, प्रक्रिया चल रही है कंटिन्यू, हर साल हम हनुमान जयंती के उपलक्ष में जो सम्मानित समारोह करते हैं, और इसमें सारे 16-17 प्रदेशों से यहाँ लोग आते हैं।
तो ये मोमेंटो के बारे में जानना चाहूँगी, मुझे दो तीन तरह के दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। देखिए ये सभी कुछ छोटे मोमेंटो हैं, कुछ बड़े हैं। जो बड़ी प्रतिमाएं हमारे चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान थे, जिनका बहुत बड़े भूभाग पर जो ना साम्राज्य रहा, और इनके शासनकाल में चोरी डकैती लूट जैसे किसी जाति पर अत्याचार होना ये बिल्कुल नहीं था। उस समय घरों में ताले भी नहीं लगाए जाते थे। तो इन्होंने जो अपने शासनकाल में जो देश में शासन चलाया वो बहुत ही महान कार्य किए इन्होंने। जैसे सबसे ज़्यादा लोग राजस्थान में ही निवास करते थे, राजाओं का स्थान कहते हैं, तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, तो इन्होंने बावरी बनवाई, चांद बावरी के नाम से आभानेरी चांद बावरी है अलवर के पास। तो इसी तरह के बहुत अनेकों कार्य किए, और इनके शासनकाल में इनकी 36 लाख की सेना थी जो 9-9 लाख चारों दिशाओं में थी, और देश को बचाने का पूरा रक्षा करने का इनका जिम्मा था। और जब तक इनका शासन रहा भारत के अंदर किसी ने प्रवेश नहीं किया। हमारे बीच में भरतपुर बार काउंसिल के चेयरमैन भाई आनंद फैसला भी पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर ब्रजेश राठी जी उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिनमें एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान जिनके ऊपर लगा लो आज की डेट में किसी में 50,000-1,00,000 का इनाम हो जाता है तो वो कितना बड़ा बड़ा उसको बताते हैं कि महिमा मंडल 50,000 का इनाम विजय सिंह पति जी के ऊपर अंग्रेजी सेना ने अंग्रेजी शासन में उनके ऊपर लगाया था। इतने महान क्रांतिकारी विजय सिंह पति जी के परिवार से डॉक्टर ब्रजेश राठी है जो बहुत ही रिसर्च के काम में और वैक्सीनेशन के काम में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रजेश राठी आगे इनका एक फेवरेट डायलॉग है भाई राजेश भाटी जी का हमीरपुर से। हमारे बीच में भाई मनोज गर्ग जी भी पहुंच चुके हैं जो सी ए एसोसिएशन पूरे फरीदाबाद अलवर और नूंह के अध्यक्ष हैं। एक बार मनोज जी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके जैसे भी खबर होती है दो शब्द भी इतिहास के समाज के संगठन के प्रति बोले भाई आर्मी गुजर गाँव नाई नगरा से। आप लोग सभी आए और मैं ऐसे लोगों को सामाजिक पर्व बोलता हूँ क्योंकि समाज के सभी लोग जुड़ते हैं, चाहे बात इतिहास की हो चाहे समाज का उत्थान की हो, जब सभी लोग बैठते हैं तो कुछ अच्छा निकलता है। ये जितने भी बच्चे सीए बनना चाहते हैं वो उनमें पूरी मदद करेंगे। हमारे पूरी जितने भी स्टूडेंट भी है पूरी स्टूडेंट है उसमें कम से कम 2,000 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं सीए की, वो इनके अंडर ही करते हैं। हमारे जल्दी के पूरी टीम है जो समाज के प्रति हमारे संस्था में सभी वर्गों के सभी समाज के प्रति एक वर्ग के आदमी पूरे हमारी एजुकेशन है फरीदाबाद से लेकर परवल दिल्ली बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक हम काम देखते हैं। 4,000 सीए हैं हम और कोई भी छोटी से छोटी देखें मतलब दुकान हो या बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री हो कोई हमारे बिना नहीं चल सकती। आपके में कोई बच्चा सीए करना चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे सस्ता कोर्स सीए होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, मात्र 70,000 रुपये में 75,000 का सीए कोर्स कम्प्लीट कर सकते हैं। जोरदार तालियां जम्मू कश्मीर से आए कृपा करके जोरदार इसे भाई अनिल बैसला जी जो गांव टीकरी से बिलोंग करते हैं, हम रहते फरीदाबाद है परवल डिस्ट्रिक्ट से, फोकस न्यूज के अनिल भाई का श्री मनोज चौधरी जी से निवेदन करूंगा। जी
अब अनिल बैसला जी का स्वागत करेंगे। श्री मनोज चौधरी जी जो गांव सीलमपुर दिल्ली से हैं, भाई अनिल चौधरी जी जो मीडिया में एक अच्छा काम कर रहे हैं। राम राम सभी भाइयों को जो भी यहां आए हैं, गुजर बिरादरी से भी और जो बाहर से भी, जैसा कि मैं देख रहा हूं ब्राह्मण समाज से भी हैं और अदर भी कई समाज से जो भी आए हुए हैं, सबसे पहले सबको राम राम और प्यार भरा नमस्कार। तो मैं सिर्फ एक शब्द बोलना चाहता हूँ अपनी गुजर बिरादरी से, खासकर जो आज यहाँ बैठी हुई है, कि अपनी बोली को ना छोड़ें। हम लोग क्या है, अपडेट होने के चक्कर में, आज की दुनिया को जीने के चक्कर में, बाहर बिजनेस और कॉरपोरेट में जाने के चक्कर में, हम जो अपनी बोली है हम उसे भूल जाते हैं और ना हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसको। तो अब बंगाली बंगाली बोलेगा, अपनी पंजाबी पंजाबी बोल रहा है, सब अपनी भाषा बोल रहे हैं, किसी ने भी अपनी बोली नहीं छोड़ी है, एक हम छोड़ रहे हैं। और हमारी सबसे यूनिक बोली है, मैं आपको बता दूं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वर्ड में किसी भाषा में किसी लैंग्वेज में आपको नहीं मिलने वाले, जैसे पौनी, पाँच, पौच, तो ऐसे तमाम कई सारे वर्ड हैं जो बहुत यूनिक और बहुत प्यारे हैं, जो आपको किसी और अन्य बोली में नहीं मिलने वाले हैं। हरियाणवी है, जैसे हरियाणवी को बोलेंगे कि एक, मतलब कोई, मैं किसी को अदरवाइज मत लेना कि ये जाट जाट वाली बोली है, ऐसा नहीं है। वहाँ ब्राह्मण, जाट, गुजर सभी का सब हरियाणवी बोलते हैं, वो सबकी एक बोली है, पर हमारी गुजरों की बिल्कुल अलग बोली है। तो उसको बचा के रखें, उस धरोहर को जो हम पीछे से अपने पूर्वजों से लेते आए हैं। जैसे कि राम राम, MC स्क्वायर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इसने इसको जिंदा किया, इस बोली को हमारी को। अब पूरा वर्ल्ड राम राम बोल रहा है, राम राम सिर्फ गुजर बोलता है और कोई नहीं बोलता। राम राम बोलेंगे कुछ और बोलेंगे, राम राम वर्ड सिर्फ गुजरों का, ये उनका अपना वर्ड है। तो अपनी भाषा को बिल्कुल ना छोड़े, इस बोली को। हाँ, बाहर आप नॉर्मल बोल लें चलेगा। अब हमारी जवान पे देखो, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है पर नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हमने बैठा ली है। हम अपने आप को बदलने के चक्कर में इतने बदल रहे हैं कि हम अपनी जड़ को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आप कहीं पर भी हैं, कैसे भी, एटलीस्ट घर में अपनी बोली को बोलें। तो ये मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, और अपने बच्चों को बताएं और घर में अपनी ही बोली बोलें। धन्यवाद सर। और एक चीज़ और, ये अपना हिंद फोकस के नाम से मीडिया हाउस है, सिर्फ TV को छोड़ के अभी अपना न्यूज़पेपर है और सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ शायद और भी होंगे, मतलब मैं वैसे बोलना चाहता हूँ कि NCR पूरे दिल्ली में पहला RNI लाइसेंस होल्डर अपना न्यूज़ मीडिया हाउस है, जो शायद और कहीं मेरे ख्याल किसी पे हो। फेसबुक पेज चला रहे हैं लोग और अदर चल रहे हैं, पर लाइसेंस मीडिया हाउस ही है। तो किसी भी तरीके की लाइसेंस से रिलेटेड आपको मीडिया हाउस की कहीं ज़रूरत पड़ती है कैसी भी, तो हम आपके साथ हैं। धन्यवाद सर। हनुमान जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा सबसे बड़ी यही है कि जहां उनमें एक और बल था वहीं बुद्धि भी थी। उन्होंने बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग किया और साथ में चरित्र भी था। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बलवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, पर चरित्रवान नहीं होते। उनमें चरित्र भी था, मर्यादाएं भी थी और सेवा और समर्पण का भाव भी था कि 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक भारत का इतिहास जो है ये गुर्जर इतिहास है, पूरे प्रमाणों के साथ है। इस बात को जो लोग आज स्वीकार नहीं कर रहे, कल ये स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे तो इस चीज के जितने मजबूत साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो सब आपके स्वाभिमान और गौरव के लिए पर्याप्त हैं, पर मेरा यही निवेदन है कि आप सब अपने तथ्यों को समझिए, पढ़िए और अगर कोई शंका की बात है तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप प्रमाणों पर कोई बात करना चाहते हैं, तथ्यों पर कोई भी व्यक्ति बात करना चाहता है, कोई हिस्टोरियन बात करना चाहता हो, कोई दूसरा बुद्धिजीवी बात करना चाहता हो, तो हमेशा मैं उसका स्वागत करता हूँ। आपकी भी जो शंकाएं होंगी इस विषय में, उन सब का भी समाधान हमेशा करने के लिए मैं उपलब्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश के अंदर इस समाज को इसके परम्परा पर पहुँचाने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी इस देश में एक मजबूत सशक्त संगठन की। हमारा इस देश के अंदर पूरे देश के केंद्रीय स्तर पर राज्यों में कोई संगठन नहीं है। हमें सिर्फ आशा की एक वर्ण अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा के रूप में एक वर्ण मिलती है। इससे हम
यह उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि यही इस देश में एक मात्र समाज की आवाज है। अपने आप में सब काम कर रही है, कुछ कम कर रही है, कुछ ज्यादा कर रही है, किसी संस्था का टारगेट ना बनाए। आजकल अपने किसी भी मत से वो सब भाई हमारे ही है, तो कहीं से किस तरह काम कर रहा है, तो कहीं किसी तरह काम कर रहा है, हम सब काम कर रहे हैं अपना अपना अलग अलग। और आपसे भी अनुरोध है, जोश में होश नहीं खो है, क्योंकि आप ज्यादातर युवा जुड़े हुए हैं, युवा कहीं रास्ते से भटक जाते हैं, तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे काम करें, समाज के लिए बेहतर काम करें, और हम भी आपके साथ हैं। मेरे साथ है अमित आर्या जी, इनके बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि इनके बिना कोई भी इंटरव्यू मेरा अधूरा रहता है, इतना अच्छा बोलते हैं ये। और इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी जो ये समारोह हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और कहां कहां से कितने लोग आए हैं, किन किन को आपने सम्मानित किया है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये हनुमान जन्मोत्सव के रूप में हम अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा की टीम हर वर्ष इस कार्यालय पर मनाती है, और इस दिन हम पूरे देश से जितने भी गुर्जर समाज की ऐसी महान विभूतियां जिन्होंने इस गुर्जर बिरादरी को लेकर पूरे वर्ष जो पिछला वर्ष जाता है उसमें जो अपनी महान सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं के रूप में हम समाज के लोगों को सम्मानित करते हैं। और इसके साथ साथ अन्य समाज के भी जितने पत्रकार बंधु, जितने कोई अपनी जैसे डॉक्टरी लाइन में किसी ने अपनी सेवाएं दी हैं, अन्य समाज के भी जो हमारे हमसे जुड़े लोग हैं, जो हमारे समाज की समय समय पर मदद करते रहते हैं, हम उनका भी यहाँ पर सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं कि जिन्होंने, देखिए हम क्या ढूंढते हैं, लोग हमें ढूंढते हैं। अब जो जागृति हमारे समाज में आई है, तो सभी लोग जो अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई एक दबा कुचला समाज, जिसको जिसके इतिहास को दबाया गया, जिनका हमेशा दमन करने का कार्य किया गया, भाई उनको हम अपनी तरफ से जितना सहयोग हो वो सहयोग करके इनको ऊपर उठाएं। तो जो लोग हमारी इस तरीके से मदद करते हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस दिन उनका सम्मान करते हैं। और आज जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, यहाँ से हमारे बीच में लोग पहुँचे हैं। सबसे पहले तो हम श्री देवनारायण जी, और उनके बाद हम हमारी जो सबसे महान विभूति, हमारे सबसे जो महान जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, एक भगवान की तरह हम पूजते हैं, सम्राट मीर, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भौत जी,
हम उनकी मूर्ति देकर हमारे समाज के या अन्य समाज के जितने लोग हम उनको सम्मानित करते हैं। सम्राट मीर भोज जी की जो ये मूर्ति जब किसी के घर में जाती है तो एक पॉजिटिव वेव पैदा करती है। आज तक का हमारा रिकॉर्ड है, जितने भी लोग इस हमारी संस्था से जुड़ा जिनका भी हमने आज यहाँ पर सम्मान किया, तो उन्होंने सम्राट मीर भोज जी की इतनी कृपा हुई, उन्होंने कई गुना बढ़ चढ़ कर इस काम में हमारा सहयोग किया और परमात्मा की दया से, बाबा मीर भोज की दया से उनके ऊपर सुख समृद्धि की फुल बरसात हुई। ऐसे जो काम है गुजर समाज ही कर सकता है और हमें भी, हमारे चैनल को भी सम्मानित किया है यहाँ पर, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं मेरे सर पे पगड़ी है और पहली बार शायद मैंने बनवाई होगी, चैनल पे भी पहली बार ही मैंने पगड़ी के साथ, तो सम्मानित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर भड़ाना जी। और इस वक्त ये अभी अभी ये जो राजनीति में तो पहले से हैं, बीजेपी अभी अभी ज्वाइन किया आपने, और यहाँ पर आके आपको सम्मानित होके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। आज हमारे समाज के लोगों ने हमारे मीर भोज चक्रवर्ती महाराज की जी ये हनुमान जयंती के ऊपर जो प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा है, और हम सभी, हमें गर्व है अपने हिंदू समाज सनातन धर्म से, गुजर बिरादरी से। एक गुजर समाज से भी जुड़े हुए हैं, समाज का प्रोग्राम है तो आपको, समाज का प्रोग्राम जब होता है ना बहन जी, तो कुदरती ही आत्मा एकदम जोश से लवरेज हो जाती है, एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ गुजर समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इतने अच्छे अच्छे कार्य, समाज के कार्यों में हम हर जगह बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मेरे साथ है इस वक्त अनुराग गुजर अध्यक्ष की बेटी। सबसे पहले उनका नाम जानती हूँ मैं, और कहाँ पढ़ते हैं आप, क्या कर रहे हैं, ये भी जानना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, आई एम शानवी चौधरी एंड आई एम स्टडिंग इन रायन इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद सेक्टर 21B। टेंथ। तो आपको ये हनुमान जयंती के बारे में, ये जो समारोह रखा गया है इसी दिन पे, तो ये हर साल आप आते हैं? हाँ जी, हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं ये। तो इसमें क्या क्या स्पेशल रहता है? इसमें स्पेशलिटीज़ तो यही रहती हैं कि लाइक गेट टुगेदर होता है फैमिलीज़ का, उसी बहाने हम लाइक पूजा पाठ भी कर लेते हैं, खाना वाना, और जो सम्मानित, जो हाँ जी सम्मान के लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें मूर्तियाँ दी जाती हैं। हाँ जी। आपकी मदर भी हैं यहाँ पर? ये हैं अनुराग जी की वाइफ, और इनका नाम जानना चाहूँगी मैम। अंजू। कैसा लग रहा है आपको इतना अच्छा आपने समाज के सब, बस सब भगवान की मर्जी है। अब हम काफ़ी 3-4 साल से तो ये सेलिब्रेट हो ही रहा है, हनुमान जयंती के बहाने से इन लोगों का भी हो ही जाता है तो मतलब हमें तो अच्छा लगता है, सारे रिलेटिव्स आते हैं, सब एक साथ मिलते हैं बस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पूजा पाठ से हुई थी, पूजा की थी? हाँ जी, पहले पूजा की थी, फिर हवन हुआ था, उसके बाद फिर भंडारा प्रसाद शुरू हो गया। और अवार्ड तो ऊपर चली? हाँ, अवार्ड ऊपर ही चल रहे हैं। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतना अच्छा समारोह हुआ है आपका, गुजर समाज में लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, ये समाज बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के, हमें भी सम्मानित किया गया है मेरे, आप देख सकते हो, और तो कोई सम्मान के लायक बिल्कुल आपके बिना तो कुछ है ही नहीं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने ये वेयर किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और एक अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके माहौल को देख के, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। कुछ लेडीज़ और भी हैं, इनसे भी जानती हूँ मैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है मिसेस महेश चौधरी। आप कहाँ से आए हैं? मम्मी। अच्छा, आपकी वजह से ही शायद ये माहौल है? नहीं, मेरी वजह से नहीं है, हनुमान जी की वजह से है। बिल्कुल, ये भी बात सही है, क्योंकि अनुराग जी आज है तो आपके वजह से ही है। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन हम सब तो इनकी वजह से ही है ना, ये तो सब हनुमान जी की कृपा है। तो अनुराग जी जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये आप ही की शिक्षा है क्या है? नहीं, हमने अपने बच्चे से ये कह रखा है कि भाई अपने धर्म से जुड़ो जी, और किसी के साथ बुरा मत करो, और किसी की दुआ ना लो तो बददुआ भी मत लो। बहुत अच्छी बात कही। और भगवान जो है ना, हुनर का मोहताज है, जो हुनर जो है वो किसी को पीछे नहीं रहने देता, और हमने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी है, हमने अपने पेरेंट्स से भी, अपने मदर इन लॉ से भी, अपने मम्मी पापा से भी यही सीखा कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात कही कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, और अच्छा ही और करना चाहिए। हो रहा है तो आज हमारे दादा परदादा नाना वो ऐसे थे, अपने मुंह का निवाला भी दे देते थे औरों को, तो उनकी ही दुआ फल रही है ये।
हमारी क्या औकात है। अब मैं सुबह आई थी तो यहाँ सारे जो रेंट पे रहते हैं लोग कहने लगे जी आपका बच्चा बहुत अच्छा है। मैंने कहा जी पता नहीं कैसा अच्छा है, मुझे तो पता नहीं है, आप ही लोग कह रहे हो। कह रहे नहीं बहुत अच्छे काम करते हैं, ये धर्म से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है। मैंने कहा बिल्डिंग इसकी क्या औकात है बनाने की, बनाई तो बालाजी महाराज ने। हम तो भोले बाबा के और हनुमान जी के भक्त हैं, इन पर छोड़ दिया हमने तो सब कुछ, जैसे ये रखें सुखी रखें दुखी रखें। जी आपका क्या नाम है? जय नाम स्वर्णलता है। आप कहाँ? स्वर्णलता अग्रवाल। बहुत प्यारा नाम है आपका, आप कहाँ से आए? मैं सेक्टर 28 से आई हूँ, हाँ जहाँ किशन पाल है ना उनके सामने मेन रोड पे। इसका ये जो चेहरा है ये देख के कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन खुश होता है ये देख के इन सबको। ये समाज से आप बहुत खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहीं मैंने सुना है गुजर से कोई डरते भी हैं? नहीं, ये हमारी भैया भाभी हैं, इनसे क्या डरना, और ये हमारे हेल्प करते हैं पूरी, हमारी पूरी सहयोग देते हैं, सहयोग देते हैं, बिल्कुल घर जैसी बात है इनकी हमारी। देखने जाते हैं इनके जो पापा के जो हैं पंडित जी हैं शर्मा फ्रेंड है, तो जब एक दिन देहरादून गए ये वकील साहब की बेटी के लिए कि भाई तुम कौन हो, ये हम पाँचों भाई हैं, शक्ल से तो पाँचों भाई नहीं लगते, भाई कौन कौन है? उन्होंने कहा ये अरोड़ा है, ये शर्मा जी हैं। हम मेरे इनके हस्बैंड वगैरह पांच फ्रेंड थे आपस में, तो हमारा अब तक चल रहा है इनके साथ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा। एक मुझे लगता है कि इन्हीं से आप जानिए कि गुजर समाज आखिर क्या है। एक गुजर से लोग डरते हैं, वो डर खत्म कर दीजिए, ये बहुत हेल्पफुल और अच्छे जो समाज है, आप एक बार आके देखिए। गुजर तो इतना मतलब पगला कह लो सीधा कह लो, हेल्प करवा लेते हैं लोग। गुजर किसी से फालतू नहीं बोलता, और जब गुजर के लिए कोई कह दे वो बर्दाश्त नहीं है। मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि जो ये डर लोगों ने बना रखा है वो चीज़ ना बना के एक ये वाला चेहरा देखें कि ये चेहरा क्या है गुजर का। मैं ये बोलना चाह रही थी कि गुजर बहुत हेल्पफुल है और बहुत मन का। जी सर आपका नाम जानना चाहते हैं? सुरेश अग्रवाल, अरविंद चौधरी और मैं, हम पांच दोस्त थे, हमको पांच पांडव कहा करते थे। बहुत अच्छी बात है। गुजर समाज ये जिसने के अंग्रेजों को भगाया था, दौड़ा दौड़ा करके मारा था, इसलिए गुजरों से डरते हैं। अंग्रेजों की मैम थी ना बेटा, यहाँ नोएडा की साइड में जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको बैलों की जगह हल में जोत दिया था मैमों को, और उनसे हल चलवाया था, ये खौफ है। और गुजर सच में ही डरता नहीं है मरने से। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें, और हनुमान जयंती पे ये जो समारोह आपको दिखाया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा है। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।